तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अपनी जोरदार तारियों के साथ स्वागत कीजिए यूट्यूब के बहुत बड़े सेलिब्रिटी का, ये हेलो शूट करनी है कि नहीं फिर आज 2 बजे के बाद? ठीक हाँ भाई, तो साल का पहला महीना खत्म हो चुका है और काफ़ी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है और वो बात है मेरे झांसी वाले ब्लॉग के बारे में, कि जितने भी लोगों ने उसे देखा है सबको पसंद आ रहा है। वैसे इतनी रिच है नहीं उसकी, लेकिन जितने भी लोगों ने देखा है सबको पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब इतने दिनों के बाद कैमरा उठा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बीच कुछ काम नहीं हुए, काम हुए हैं। और मैं आपको छोटा सा अपडेट दे दूँ कि क्या क्या काम हुए हैं ताकि आप स्टोरी के साथ बने रहें। तो सबसे पहले तो काम था जो मुझे झांसी से आने के बाद कराना था, वो था अपनी कार की सर्विसिंग। तो पहला काम तो हमने ये कराया। अभी तो आज है 15 जनवरी और मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब आएगा, लेकिन आज 15 जनवरी है और आज जो है वो मुझे, मैं अभी कल ही झांसी से आया हूँ, तो आज मुझे अपनी कार की सर्विसिंग कराने जाना है। वैसे 13 तारीख थी लेकिन मैं लेट हो चुका हूँ 2 दिन, लेकिन हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी 10:30 की और उसमें भी हम लेट हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:53, तो आई नीड टू गो बहुत जल्दी जल्दी। वैसे भी मोहित आ रहा है क्योंकि मैंने बुला लिया उसको, कि अकेले अकेले जाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने कहा एक साथी हो जाएगा तो बढ़िया है। कितना टाइम लग जाएगा भैया? टाइम हाँ जी भैया, कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो जाए, 90 मिनट में। 90 मिनट में हाँ जी, चलिए ठीक है सर। टाइम लगेगा तो फिर थोड़ा आवाज़ में लगेगा। 90 मिनट मतलब टाइम अभी, लेकिन जितना जल्दी हो उतना। अंदर बैठ जाऊँगा ठीक है सर। टाइम हुआ 11:25 और अभी भैया ने बोला 90 मिनट। 90 मिनट आप ऐड कर लो, आपको पता मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तो आप खुद ऐड कर लो। 90 मतलब 1.5 घंटा मेरे भाई। ओहो तेरा मैथ तो कह रहा था अच्छा नहीं है। ये मैथ थोड़ी है, ये तो टाइमिंग है, टाइमिंग अच्छी है, मैथ अच्छा नहीं है। हाँ भाई, तो सर्विस हो चुकी है और बस हो चुकी है। अब क्या इसमें मैं क्या बताऊँ, ठीक ही लग रही है गाड़ी चलाने में, सेम ही लग रही है, बस थोड़ी फ्रेगनेंस बढ़ गई क्योंकि हमने वो एयरविक वाला वो छिड़का है। और हाँ, एक काम और था जो मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं झांसी जाने से पहले ही कर चुका था, वो था वाईफाई ठीक करवाना, क्योंकि आपको पता स्पीड नहीं आ रही थी तो उसको ठीक करवाना था। तो इतना कुछ खास इशू था नहीं, वो बस ऊपर जो एंटीना लगा हुआ उसको राइट और लेफ्ट घुमाना था, तो उससे स्पीड ठीक हो गई। तो और वाईफाई मैं कह रहा हूँ मैं चेंज करवाने वाला हूँ, मुझे लग रहा है हालात इसके सही नहीं लग रहे मुझे, तो चेंज करवाना पड़ेगा और अंकित वाला लगवाऊंगा, स्पीड उस पर बढ़िया थी। तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ लेकिन ढोल बजने शुरू हो गए हैं, किसी की शादी शुदी हो रही है मुझे लग रहा है, तो थोड़ा मैनेज, और मुझे लग नहीं रहा वो यहाँ से जाएगी, लेकिन मुझे अपनी बात करनी है और बात तो मैं करूँगा क्योंकि मंदिर यहीं है तो ढोल यहीं बजते रहेंगे, उसका इंतज़ार हम करेंगे तो फिर बैठे रहेंगे पूरे दिन। लेकिन तो थोड़ा मैनेज है, थोड़ा मेरा ईयरफोन लगा लो अगर आपको आवाज़ सही नहीं आ रही, तो थोड़ा मैनेज प्लीज़। थोड़े शांत हो गए हैं तो हम बात कर सकते हैं। तो अगर आप स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जाते जाते वक्त मेरा सारा सामान नीलेश के बैग में था और आते वक्त भी सारा सामान नीलेश के बैग में ही था और जूते भी उसके बैग में थे क्योंकि हम चप्पलों में ही आ गए थे वापस। तो सामान तो नीलेश ले आया था, कपड़े कुपड़े तो सारा कुछ वो मेरे घर पर पकड़ा गया था, लेकिन जूते रह गए थे। और उसके बाद मेरा एक चक्कर लगा भी था नीलेश के घर पर, लेकिन जूते लाना मैं फिर भूल गया। तो मुझे पता है बादाम खाने की ज़रूरत है, मैं खाऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर था वाइट वाला शूज़ का, वही जो गंदे से आप देखते हो हर व्लॉग में, तो वो था। और मुझे एक स्पोर्ट्स शूज़ लेने थे क्योंकि मेरे जो स्पोर्ट्स शूज़ थे पहले वाले वो टूट चुके थे। मैं दिखाता हूँ एक मिनट, जो जूते हैं वो फट चुके हैं पूरी तरह से, तो गंदे भी हैं, तो नए लेके आने के। तो अब नए जूते लेने थे, तो या हमने नए जूते खरीदे, वैसे कल ही लेके आया हूँ मैं, शोर फिर शुरू हो गया, तो आप जरा वो देखो ठीक है, इतने शोर खत्म होता फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जब से नीले के घर पे वाइट वाले जूते छोड़ गया हूँ तब से ऐसे घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ सॉक्स और चप्पल, तो अभी हम जूते लेने जा रहे हैं। लाइव दिखा रहा है अपनी, चलो ठीक है। तो जूते खरीद लिए और भैया को अच्छा नहीं लग रहा था कि हम वीडियो बना रहे थे, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया था भैया, वो कह रहे थे कि वो आउटडेटेड है थोड़े, फोन फोन का पता नहीं था, तो हमने कहा कोई बात नहीं हम बंद कर देते हैं, रिस्पेक्ट करें प्राइवेसी को लोगों की, अगर कोई मना कर दे तो ना बनाया करें। जबरदस्ती नहीं घुसना किसी को, अब हम इसको पहन रहे हैं और चप्पल इसके अंदर जाके टिक्की में चले जाएंगे। चलो
तो बस यही दो तीन काम थे जो मेरे को आपको अपडेट देनी थी कि हो चुके हैं, और अभी जो है मुझे फ़िलहाल जाना है अकाउंट्स का काम करने, तो मैं वो करने जाऊंगा। उसके बाद आने के बाद मुझे 2 बजे जाना है एक यूट्यूब सेलिब्रिटी के घर उनकी वीडियो शूट करने के लिए, और कोई अननोन बंदा नहीं है वो, बहुत फैमिलियर हो आप उनसे अगर आप मेरे पुराने वाले व्लॉग्स को देख रहे हो तो। या अब मैंने यूट्यूब सेलिब्रिटी इसलिए बोला क्योंकि मुझे टाइटल रखना है, तो या और वैसे वो हो भी गया यूट्यूब सेलिब्रिटी अब, तो उसकी वीडियो शूट करने जाएंगे 2 बजे। तो अब मैं बस अकाउंट्स का काम निपटाऊंगा और उसके घर जाऊंगा, तो उसके घर में मिलता हूं मैं आपसे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ अपनी ज़ोरदार तारों के साथ स्वागत कीजिए यूट्यूब के बहुत बड़े सेलिब्रिटी का, ये इधर। हेलो। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको यूट्यूब सेलिब्रिटी क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे कैमरा कहीं पर रखना पड़ेगा, ऐसे बात थोड़ा करना मुश्किल। ये देखो यहाँ बैठे फ़ोन चला रहे हैं। व्लॉग्स कहाँ भाई? व्लॉग्स कहाँ है? तो भाई लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम इसको यूट्यूब सेलिब्रिटी क्यों कह रहे हैं। तो बात ऐसी है कि जब ये रांची गया हुआ था तो तो जब ये रांची गया हुआ था तो इसके यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, और आपके लिए होगा 1000 होने वाले हैं, वो भी हो जाएंगे 2-4 दिन में हो जाएंगे, तो 1000 होने वाले हैं, और आपके लिए होगा यूट्यूब सेलिब्रिटी कोई 2-3 लाख वाला, लेकिन हमारे लिए तो भाई साहब ही है क्योंकि हमारे बीच में सबसे बड़ा यूट्यूब सेलिब्रिटी आई हमारे लिए। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। ये छोटी छोटी खुशियां ही। हाँ भाई, सेलिब्रिटी जितना मर्जी बड़ा बन जाए लेकिन उठाएगा मेरा बैग। ये देखो असिस्टेंट इफ यू नो यू नो। मैंने भी असिस्टेंट रख लिया, बाकी पैसा आने लग गया ना मेरे पास। भाई चारा। ज्यादा पैसा आ रहा है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं कुमरे के घर, क्योंकि कुमरा भी आया काफी दिनों के बाद, पिछली बार मैं मिल नहीं पाया था उससे, तो अभी हम जा रहे हैं उसके साथ। तो यार उसके साथ जाएंगे फिर शूटिंग करने। शूट करना है ना आज वीडियो? यस। पहले मना कर दिया था इसने, लेकिन अब जा रहे हैं हम। तो अभी तो काफी दिनों के बाद एंट्री हो रही है हमारे व्लॉग में भाई साहब की। आज भी ड्राइविंग कर रहे हैं, तब से पता नहीं ड्राइविंग कर रहे हैं। तो फिलहाल का मैं आपको सीन समझा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझा देता हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीलेश के घर, नीलेश के घर जाएंगे, वहाँ पे जाके राहुल ने अपनी गाड़ी साफ़ करवानी है, वो शायद हम आखिरी में करवाएं, तो वो करवानी है, और उसके बाद फिर वीडियो शूट करने जाना है। तो पहले नीलेश को उठाएंगे, फिर वीडियो शूट करने जाएंगे, फिर गाड़ी धुलवाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। अभी तक तो यही प्लान है, कुछ चेंज होता तो आपको पता चल ही जाएगा। अरे क्या इतना बड़ा वो मिलनी हूँ मैं, सारी लेके खड़े हो गए कैमरे इधर ये। सीट बेल्ट तो उतार ही नहीं। पार्क में पहुंच चुके हैं, बढ़िया लग रहे हैं जूते, बढ़िया लग रहे हैं जूते, बढ़िया लग रहे हैं। नहीं नहीं दिख रहे हैं इसमें, बढ़िया लग रहे हैं जूते, है ना बढ़िया, थोड़ी कंप्लीट है ना, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो अभी हम पार्क पहुंच चुके हैं और अब इसकी वीडियो शूट करेंगे, और थोड़े बहुत जो बिहाइंड द सीन्स होंगे वो कैमरे से शायद आपको दिख सकते हैं, क्योंकि कैमरे से नहीं सॉरी फोन से दिख सकते हैं, क्योंकि कैमरे से तो वीडियो शूट होने वाली है। एक बार हाँ भाई, तो आज फिर एक और पोपट हो गया ये, मैं कह रहा हूँ अक्षय को बादाम खाना शुरू करें, नहीं खा रहा। क्या भूला आज? किसको दे रखा है तूने? वीडियो इसने बनानी है शोल्डर की एक्सरसाइज की, और जो मेन चीज चाहिए उसके लिए वही भूल गया। शोल्डर की एक्सरसाइज की नहीं है, बॉलिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए, और इसके जो भी है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज भूल चुका है। लेकिन हम आज ऐसे नहीं जाएंगे, आज हम वीडियो शूट करके जाएंगे, दो एक्सरसाइज बताएगा उसमें से एक कर लेंगे, एक बाद में करेंगे। दिस इज लाइफ ब्रो, अगर अक्षय के साथ रह रहे तो ऐसी लाइफ होती है आपकी। एक आमतौर वाली लाइफ, एक होती है अक्षय लाइफ। तो इसलिए अभी हम, इसने फोन करा है शायद आ भी जाए क्या पता, लेकिन अगर नहीं आएगा, नहीं आएगा, चलो फिर नहीं आएगा, तो अभी हम पबजी खेल रहे हैं गेम। सबके फोन में है, फोन आया, आ सकता है। नहीं उसी का ही आया, उसी का आ सकता है। टेरा बैंड। तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है? चांसेस कम है वैसे, लेकिन फोन लेने आया था, भूल गया था। तो भाई देखो, होता रहता है ऐसे, आज फिर पोपट हो गया हमारे साथ। ये भाई ने मेरा थेराबैंड किसी लड़के के पास है, तो वो अभी कुरुक्षेत्र में, मेरे को लगा कि वो दे देगा थेराबैंड यहाँ आके, क्योंकि वो यहीं का है, तो अब वो कुरुक्षेत्र में है, तो फिर अभी तो मिलेगा नहीं। तो अभी हम फिर घर जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे अभी, शायद उसने कार धुलवानी है कुमरे ने, तो वहाँ जाएंगे।
और आज भी हमारा शूट पोस्टपोन हो गया दोबारा से. तो कुमरे की गाड़ी अभी धुल रही है यहाँ पे और जितने धुल रही है हम यहाँ बटला बेकर्स में बटला बेकर्स में बैठे हुए हैं. तो छोटा सा मीटअप रखा मैंने, सारे सब्सक्राइबर मेरे यहाँ पे हैं. तो यहाँ पे छोटा सा मीटर चल रहा है, दो जने और आएंगे उनसे भी मतलब अक्षय और नीरज पता है आपको, तो वो नीचे खड़े अभी आ रहे हैं. वो भी तो यहाँ पे कुछ खाने पीने आए, हम भूख लग रही थी. हाँ अभी तो खाना नहीं आया लेकिन मीटअप के सारे मेंबर आ चुके हैं, ये देखिए सब यहाँ पहुँच चुके हैं. तो आज हमारा मीटअप सक्सेसफुल हो चुका है और अभी हम सबको ट्रीट दे रहे हैं. मतलब मैं नहीं दे रहा, कुमरा दे रहा, बड़े दिनों बाद आया ना तो ट्रीट दे. हाँ भाई, तो बस अब गाड़ी धुल चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर. राहुल अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, अपने घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगा. तो बस आज के लिए इतना ही. तो अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, मतलब कल मिलते हैं. तो बाय. तो अभी बस मैंने वीडियो एडिट करी है और मुझे याद आया कि मैं आज भी वाइट वाले जूते लाना भूल गया हूँ नीलेश के घर से. बादाम खाने की बहुत ज़रूरत है हम सारे दोस्तों को, कसम से. या yeah.